जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज 27 सितंबर को अनुव्रत भवन में क्षमा वाणी का ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में। जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे श्री दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनिंदर जैन जी। तो उन्हीं से जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। धर्म का कोई भी कार्य हो वो हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी धर्म के कार्य को, लोगों के जोड़ने के कार्य को, धर्म प्रभावना जहाँ भी हो सकती हो, जहाँ भी देवशास्त्र गुरु में से कोई भी विद्यमान हो, वो सभी कार्यक्रम हमेशा अच्छे रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अनुभवकार चैनल, इसका मैंने अभी कई दिनों से देख रहा हूँ। पहले मुझे इतना नहीं मालूम था, लेकिन अहिंसा धाम के प्रोग्राम के बाद से मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कार्य आप कर रहे हैं धर्म प्रभावना का, जैन समाज को जोड़ने का, जैन समाज की गतिविधियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का, उसके लिए आप बहुत ही साधुवाद मैं आपको देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, आप जानते हैं महामंत्री जी जो हमारे प्रवीण जैन जी हैं, ये भी हमेशा धार्मिक कार्यों में बहुत आगे रहते हैं। तो आप कुछ आज के कार्यक्रम के विषय में और हमारे चैनल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। श्री दिगंबर जैन महासमिति के दिल्ली प्रदेश के द्वारा आज का ये जो कार्यक्रम किया गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। ये आज हम लोगों ने क्षमावणी का पर्व मनाया है। मैं तो यह कहूँगा कि यह क्षमावणी का जो पर्व है, केवल पूरी दुनिया में हम जैन लोग ही मनाते हैं। हम गलती न करते हुए भी हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, यह हमारा संदेश और बहुत लोगों में बहुत अच्छा संदेश जाता है। हम इस क्षमा को अगर हम दैनिक अपने दिन भर के भी कार्यों में अपनाएं, जैसे हम जब भी मिलें तो जय जिनेन्द्र के साथ उत्तम क्षमा भी बोलें। हमारे पास जो भी फ़ोन आते हैं हम हेलो ना बोल के हम उत्तम क्षमा बोलें, तो हमारे मन भी ठीक होगा और हमारे जो सामने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, उनके भाव में भी बहुत अच्छी निर्मलता आएगी। और आपका ये नमोकार मंत्र चैनल बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, मैं भी देखता रहता हूँ। अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग दे रहे हैं, जैन समाज के भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं हमारे राजेश जैन जी से, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की गई। सभी को जय जिनेन्द्र। दिल्ली प्रदेश के गठन के बाद हमारी कमेटी का यह पहला प्रोग्राम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मनिंदर जी ने हमें आज्ञा दी, आदेश दिया, और हमने माना कि हमें क्षमावणी का पहला प्रोग्राम अच्छे से करना है। हमारी मीटिंग हुई, कमेटी में बात हुई, तो टीनू जी ने कहा कि हम जो करेंगे अच्छे से करेंगे, हमारे यहाँ अच्छे से कम तो कुछ होता ही नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने महामंत्री टीनू जी का और इनकी समस्त कमेटी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमें सिर्फ एक हफ्ता मिला था और एक हफ्ते में इन्होंने इतना सुंदर कार्य करके दिखाया, जिसको राष्ट्रीय समिति भी हमारे कार्य को सराहनीय कर रही है। क्षमा का ये क्षमा पर्व, हमने क्षमावणी पर्व नहीं है, एक दिन का नहीं है, ये तो हमेशा से क्षमा को अपने हृदय में उतारने का पर्व है। एक दिन की तो हमने सिर्फ अपने कर्तव्य पूरा कर लिया कि एक दिन में हमने क्षमावणी मर ली, ये सार्थक जब ही होगा जब हम इसको पूरा अपने जीवन में उतार लें। नमोकार चैनल बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। नमोकार परमेष्ठी के नाम पे बना है, तो परमेष्ठी के नाम को, परमेष्ठी के गुणों को, परमेष्ठी के आदेशों का उनको आगे पहुंचा रहा है, बहुत बहुत अच्छा। मैं साधुवाद देता हूँ नमोकार चैनल को। नमोकार चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अंकल जी आज क्षमावाणी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में? क्षमावाणी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में तो जो प्रोग्राम यहाँ किया है वो बहुत सुंदर हुआ, और नमोकार मंत्र चैनल के माध्यम से ये जन जन के पास पहुँचेगा, इससे नमोकार मंत्र की भी उन्नति होगी और जो क्षमावाणी पर्व का उद्देश्य है वो भी हर घर घट में, जन जन के घट में विराजमान होगा, और लोग उसका अर्थ समझेंगे और उसका पालन करेंगे और हृदय से उसका मतलब अनुसरण करेंगे। तो भैया, आपके संयोजन में एक बेहतरीन कार्यक्रम जो है संपूर्ण हुआ है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे नमोकार चैनल के दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा नमोकार चैनल के दर्शकों से, क्योंकि नमोकार चैनल जब भी मैं राहुल को बुलाता हूँ ना, वो फौरन जब भी आ जाता है बेचारा, क्योंकि वो मेरे घर का आदमी है और वो इसको मतलब बेहतरीन से कवर करता है उस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं राहुल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को, उनकी वाइफ को, उनकी मम्मी को मेरी तरफ से पूरी बधाई।
और अभी आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम के संयोजक टीनू जैन जी और उनके छोटे भाई विपुल जैन जी और उनकी माता जी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। मैं पहले तो आचार्य गुरुवर श्री प्रगसागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि क्षमावाणी का पर्व हमारे जैन समाज में ही मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसको मनाना भी चाहिए। और क्योंकि इसको मनाने से जो कोई हमारे में जो त्रुटि होती है साल भर में, हम जो कभी जाने अनजाने गलतियाँ करते हैं, उसको हम क्षमावाणी के रूप में मनाते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म। आंटी जी, आपसे सवाल है कि आप अपने घर परिवार में कितने लोगों को क्षमा कर पाती हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अक्सर बुजुर्ग जो हैं उनमें क्षमा भाव कम हो जाता है और कुछ जो बहुत तप करते हैं साधना करते हैं उनमें बढ़ जाता है। तो आप मतलब आप कौन सी स्टेज पर हैं, पूछना चाहती हूँ। मैं सभी बच्चों को क्षमा कर सबको क्षमा सबसे क्षमा और जितनी भी प्राणी जीव मात्र सबसे क्षमा करती हूँ। मैं महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मिथिलेश जैन प्रज्ञा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो भी मेरे से गलती हुई हो मैं उनको क्षमा करती हूँ।